नमस्कार, मेरा नाम रूपा गांगुली है और बड़ो बहू में मैं पायल का किरदार कर रही हूँ। ये हरियाणा के ऊपर बेस्ड शो है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और आजकल टेलीविजन में शायद मेरी जानकारी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका वज़न ज़्यादा है और किस तरह की चीज़ों से वो जूझती है। इस तरह से हमारा शो शुरू हुआ था और कैसे उसकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे बाहर आती हैं, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और हम बिल्कुल भी इस बात में बिलीव नहीं करते कि उसको पतला ही होना पड़ेगा तभी वो हीरोइन के फ्रेम में फिट होगी। तो आई थिंक ये ऐसी लड़की की कहानी है हरियाणा में। जो आपका किरदार है, बड़ो जो है, आप उसकी भाभी बनी हैं? जी हाँ, मैं उसकी भाभी हूँ। यहाँ पे भी हमारे शो में जो एक नेगेटिव कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है टेलीविजन में, हाँ काफ़ी स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। मैं उसके बारे में सोचती भी हूँ लेकिन कहीं कहीं जब वो बात मेरे अनुसार नहीं चलती है तो फिर मैं उसके ऊपर, उसकी भी नहीं चलती है मेरे ऊपर। तो ये एक गिव एंड टेक लव हेट रिलेशनशिप है, अगर ऐसा कहा जा सके। और पायल के किरदार में भी हमारे सीरियल में टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, वो भी मोल्ड तोड़ा गया है। एक रियल लड़की है जिसका जो अपने परिवार में वर्चस्व चाहती है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है, चाहती है कि उसकी ननद की सही टाइम पे शादी हो जाए, और इंटेलिजेंट है, ग्रे है, हमेशा अच्छी नहीं होती, हमेशा बुरी भी नहीं होती, कोई षड्यंत्र रचने जैसा उसका कोई जो है, ननद और सास कहा जाता है कि आटे की भी बुरी होती है। ननद और सास जी, आटे की हो ना, असली की छोड़ो, वही बुरी होती है। देखिए, हर रिश्ते की अपनी एक खटास, मिठास, चटपटापन रहता है। तो हमारे रिश्ते में कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रहा है या हमेशा गलत ही नहीं होता है, एक एक बराबर की टक्कर चलती रहती है। भाभी कैसी है? आपकी भाभी, भाभी कैसी है? मैं बड़ भाभी वेल, जैसे कि मैंने बताया, ये पायल बहुत रियल कैरेक्टर है और चाहती है कि बड़ों की शादी हो जाए, अब तो खैर हो चुकी, और इंटेलिजेंट है, अपने घर में अपना वर्चस्व चाहती है, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, ग्रे है, अच्छी भी है, कभी कभी अच्छी चीज़ बुरे तरीके से करती है पर चाहती अच्छा ही है, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है उसको, पर वैसे इंटेलिजेंट लड़की है। और ये एक नेगेटिव कैरेक्टर के मोल्ड में बिल्कुल भी नहीं है, उस मोल्ड को कम्प्लीटली तोड़ दिया गया है, एक ग्रे रियल कैरेक्टर है। बकरियावाल का जी, उसकी बात करें, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप कपड़ों में, ये चीजें बहुत कम पहनने को मिलती है। हाँ जी, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और हमने हरियाणवी सीखी, सुनीता जी हमारी लैंग्वेज ट्रेनर हैं, मैं हरियाणवी अच्छी बोल लेती हूँ अब, और मैं कहीं किसी भी हरियाणवी इंसान से हरियाणवी में बात कर सकती हूँ अब। कितना मजा आ रहा है? आपने बहुत मजा आ रहा है जी मारे को। और क्या कहते हैं शो के बारे में? प्रोग्रेसिव है हमारा शो, एज इन दकियानुसी ख्यालों को पीछे छोड़ने वाला शो है। टिपिकल और छवि जो होती है औरतों की, उससे थोड़ा सा हटके है। देखिए, ससुराल, सास बहू का जो इक्वेशन है, जो इतने सालों तक हम देखते आ रहे, चलते आ रहे, उसका अंश जरूर है, मगर फिर भी उस अंश को भी बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से दिखाया गया। आज सीन क्या चल रहा है? ये बढ़िया बात है। आज जो है ऐसा है कि बड़ो अपने ससुराल गई है तो वहाँ खुश नहीं है, बहुत सारे वाक्य ऐसे हुए जिस वजह से उसको लगा कि वो इस रिश्ते को अब निभाना नहीं चाहती है, तो वो ससुराल छोड़ के यहाँ आ गई है, और मैं हर साम दाम दंड भेद लगाकर उसको चाहती हूँ कि वो वापस जाए। इसमें कहीं ना कहीं मेरा फायदा तो है ही, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि ये वो अपनी परिस्थिति से भागे ना, अपनी परिस्थिति का सामना करे। तो इसीलिए मैं उसको ये समझाना चाहती हूँ कि किसी परिस्थिति से भाग जाना, अपने हस्बैंड से नहीं बन रही या ससुराल में कुछ बुरा लग रहा है, उससे भाग जाना कोई उपाय नहीं होता, उससे लड़की अपनी जगह बनाना, यही मैं उसको। तो क्या उसको टिप देती हैं? आप भी बहू हैं? जी नहीं, मैं रियल लाइफ में तो बहू नहीं हूँ।
आप उनको क्या टिप्स देते हैं वापस जाने के लिए, आप कह रहे हैं वापस जाने के लिए? जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जगह बनाए अपने ससुराल में, अपने दम पे बनाए और ऐसे भागे ना। अगर कोई ऐसी गलत सिचुएशन आती है तो उससे भागे ना वो, और उसके हस्बैंड को कैसे वो और अपने करीब लाए उस बारे में टिप्स मैंने दिए हैं उसको। और खाना वगैरह वो वैसे ही अच्छा बनाती है, मैं भी अच्छा बनाती हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डील करना लोगों से, मुसीबत से दूर रहना, यही सब टिप्स देती हूँ उसको। थैंक यू। थैंक यू। मुझे हरियाणा का चैनल